हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मुंह में पानी ला देने वाली पाव भाजी की रेसिपी। पाव भाजी किसे नहीं पसंद है, सबको पसंद है, पर आता नहीं ना वो बाजार जैसा फ्लेवर। तो आज मैं बताऊंगी सारे ट्रिक और सारे टिप्स जिससे आपकी भी पाव भाजी में आएगा बिल्कुल मार्केट वाला फ्लेवर। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल लिया था, तो इसमें मैंने मटर लिया है, बीन्स है, गोभी है और ये है चुकंदर। चुकंदर का थोड़ा सा पाइप मैंने लिया है, इसमें कट कर लिया था उसे। और ये गाजर, ये दो आलू है और ये है एक शिमला मिर्च। तो आप अगर कोई सब्जी स्किप करना चाहते हैं इसमें तो कर सकते हैं, आलू गोभी मत करिएगा, गाजर मटर ये सब मतलब बीन्स अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब फटाफट से सारी सब्जी कट करके मैंने धो ली थी और कुकर में सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। तो ये चुकंदर मैंने क्यों यूज़ किया है इसमें, ताकि इससे ना कलर इसका बहुत ही बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया कलर आएगा, इसीलिए चुकंदर यूज़ करिए। अगर आप नहीं चाहते तो स्किप कर सकते हैं, उसके बिना भी ये अच्छी बनेंगे। तो थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया था। अब इसे दो सीटी तक बॉइल कर लेना है। तो ये देखिए ये बढ़िया सी बॉइल हो गई है और सारी सब्जियाँ बढ़िया से पक गई। देख रहे हैं आप, गोभी वोभी सब मैं ऐसे स्पून से मैश कर रही हूँ ना, तो बड़े आराम से मैश हो जा रही है। तो ये थोड़ी सी प्याज काट लिया था मैंने, ये एक प्याज है जिसे मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिया था। टमाटर और ये नींबू और मिर्च। तो फटाफट से एक पैन चढ़ाएंगे और पैन में डालेंगे बटर। तो बटर थोड़ा सा जैसे ही मेल्ट हो जाए ना, तो इसमें डाल देंगे जीरा। जी हाँ, इसे बटर से बनाइएगा तभी आएगा ना मार्केट जैसा फ्लेवर। तो मार्केट जैसा टेस्ट पाने के लिए मार्केट जैसा ही बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए पैन चढ़ाइएगा और फिर उसमें बटर और बटर के बाद जीरा। जीरा के बाद मैंने हरी मिर्च ऐड की थी और फिर इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो ये देखिए प्याज मैंने ऐड कर दिया। प्याज जैसे ही ऐड करेंगे आपको लग रहा होगा बटर ज़्यादा था, पर नहीं, बटर एकदम सेट हो जाएगा। और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि प्याज अच्छे से भून जाए। तो ये देखिए मैं इसे प्याज को भून देती हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। तो बढ़िया से इसे थोड़ा सा भून देंगे, जैसे इसका कलर ये देखिए चेंज होगा ना, इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने जो एक ली थी उसमें से आधी उसमें ऐड कर दी है, बॉयल कर दिया है, और आधी इसमें खड़ी ऐड करेंगे ताकि इससे फ्लेवर ना बहुत ही बढ़िया आएगा। तो खड़ी शिमला मिर्च ऐड कर दी थी और ये सब अच्छे से मैंने थोड़ा सा भून लिया है 2 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर को ऐड करके नमक ऐड कर दीजिएगा ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए सारी सब्जियों को मिक्स करना है और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये आराम से भून जाए बढ़िया से और थोड़ी सी गल जाए। तो ढक्कन लगा देंगे ताकि अच्छे से ये गल जाएंगी। तो 2 मिनट के बाद देखते हैं, ये देखा आपने नीचे कितना सारा पानी रिलीज हो गया और ये बढ़िया से थोड़ी सी गल भी गई है। तो ऐसे कलछी से थोड़ा सा इसे प्रेस भी कर देंगे और बढ़िया से इसे चला देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, जिसमें मैंने ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर। फिर उसके बाद हम इसे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और ये मैसन ले लेंगे। तो इसे थोड़ा सा इसे बढ़िया से मैश कर देंगे ताकि टमाटर और प्याज जो थोड़े बहुत कसर रहेगी थोड़ी सी मैश हो जाए। तो ये देखिए ये सारी जो सब्जियां हैं ना, इन्हें भी हम फटाफट से ऐड कर देते हैं, इसी कढ़ाई में ऐड कर देंगे इन्हें और इसे मैशर से अच्छे से मैश कर देंगे। सब्जियाँ तो वैसे भी बढ़िया से बॉयल हो गई हैं, तो बढ़िया से मैश हो जाएंगी। तो इसी ट्रिक से बनाइएगा आप भी ये पाव भाजी, बहुत बढ़िया बनेगी। बटर से बनाइएगा और बढ़िया से इसे मैश कर देंगे। ये देखिए बढ़िया से ये मिक्स हो गई सारी सब्जियाँ। अब सब्जियों को हमें ना 2 मिनट के लिए पकाना है, 2 से 3 मिनट तक आप इन्हें पकाइए कढ़ैया में भी अच्छे से, ताकि ये और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए हैं और फिर इसे पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये एवरेज का पाव भाजी मसाला है, इसे भी साथ साथ ऐड कर देते हैं ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छे से सारी सब्जियों में आ जाए। और मैंने यहाँ पे एवरेज का पाव भाजी मसाला यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी पाव भाजी मसाला यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और ये ऐड कर दिया है मैंने नींबू का रस। तो यहाँ पे नींबू ज़रूर यूज़ करिए। और ये देखिए मैंने ढक के 2-3 मिनट के लिए पकाया था। सब्जियाँ और अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अच्छे से पक गई हैं और गल गई हैं। और कुछ सब्जियाँ ऐसे दरदरी से थोड़ी खड़ी खड़ी लग रही होंगी, तो मार्केट वाले भी जब बनाते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही रहता है। तो थोड़ी बहुत सब्जी ऐसे दरदरी रहने दीजिएगा, जब आप खाएंगे ना इसे पाव के साथ तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। इतनी यम्मी बन के रेडी होगी ना कि आप तो मार्केट जाके पाव भाजी खाना भूल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ती ऐड कर दी थी। अब फटाफट पाव लेते हैं, उसे ऐसे कट कर लीजिएगा पीसे। तो मैं आपको बताऊंगी कि जब पाव भाजी मार्केट वाले देते हैं तो उनकी पाव तक इतनी टेस्टी क्यों लगती है। तो पाव को हमें करना है थोड़ा सा फ्राई। तो इसे बटर लगा के बढ़िया से ना
थोड़ा सा सेकेंगे हम, तो सिर्फ बटर से नहीं, बटर के साथ हम इसमें ऐड करेंगे पाव भाजी का मसाला। जी हाँ, ये है आपकी ट्रिक, इससे ना पाव बहुत बढ़िया बनेगी। भाजी कैसे बनाना है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब पाव बनाने के लिए जब आप बटर इसमें ऐड करें ना, तो पाव भाजी का ये जो मसाला है ना, इसे भी ऐड कर दीजिएगा। और ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करके ऐसे तवा में चारों तरफ फैला देंगे, फिर हम अपने पाव रख के इसमें बढ़िया से सेक लेंगे। तो देखा आपने, बिल्कुल बाजार वाले भी ऐसे ही पाव की ब्रेड सेकते हैं जब पाव भाजी बनाते हैं, इसीलिए आता है इतना बढ़िया सा फ्लेवर। ऊपर से भी यहाँ पे थोड़ा मैंने बटर लगा दिया, और बटर लगा के दोनों तरफ से पाव को बढ़िया से सेक लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो जरूर से जरूर फॉलो करिएगा, और मेरी वीडियो को ढेर सारा लाइक, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही यमी यमी से वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए, पाव भी फ्राई हो गए हैं, भाजी भी तैयार है, तो फटाफट से इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो मैंने आज जैसे बाजार में सर्व करते हैं ना, ऐसे ही प्लेट में मैंने भी आज इसे सर्व किया है। तो एक साइड रख लिया मैंने पाव, और दूसरी साइड हम रखेंगे बढ़िया सी ये भाजी। तो देख रहे हैं आप, कुछ सब्जियां बिल्कुल गल भी गई हैं और कुछ थोड़ी सी दरदरी सी भी हैं। तो जब हम पाव से खाएंगे ना, तो सारी सब्जियों का फ्लेवर इसमें आएगा और बहुत ही यम्मी बनेंगी। और थोड़ी सी ये मैंने प्याज कट कर ली थी, और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक मिला दिया। तो और एक नींबू की स्लाइस रखेंगे, और भाजी में डाल देंगे बढ़िया सा ऊपर से बटर। तो ये लीजिए, रेडी हो गई है बिल्कुल मार्केट वाली पाव भाजी। तो एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।